वेलकम दोस्तों, हमारा चैनल आओ सीखो कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक यूट्यूबर है और अपने यूट्यूब वीडियो के लिए एक अच्छा थंबनेल बनाना चाहते हैं, वो भी अट्रैक्टिव और एचडी क्वालिटी में, तो आप किस तरह से बना सकते हैं और किस ऐप के थ्रू बना सकते हैं वो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर पिक्सलेबल लिख के आप सर्च कीजिएगा, पिक्सलेबल लिख के आप सर्च कीजिएगा जो, और उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने वह ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे मुझे मेरे स्क्रीन में इस तरह से दिख रहा है, तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से पेज ओपन होगा। इससे पहले आपको यहाँ पे ऊपर साइड में आपको थ्री डॉट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे साइड में आपको इमेज साइज का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, आप यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं तो उसका साइज यहाँ पे आपको मिल गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, या आपको यहाँ पे यह पेज आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पेज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप दूसरा से सेट करना चाहते हैं या अपना फोटो लगाना चाहते हैं या दूसरा मतलब वॉलपेपर लगाना चाहते हो, तो आप किस तरह से लगा सकते हैं, तो इसके लिए आपको ऊपर साइड में यहाँ पे प्लस का मार्क आपको दिख रहा होगा, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना फोटो यहाँ पे मैं ले लूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो फोटो यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक फोटो ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे अच्छे से कटिंग कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना फोटो को यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे उस नीचे साइड में आपको टिक मार्किंग मिलेगा, इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पेज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस साइज में ले आऊँगा दोस्तों, इसे साइज में मैं ले के आऊँगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अच्छे से इसको सेट कर दूँगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर इस फोटो को मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे साइड में आपको एक वर्ड को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे दोस्तों कि जैसे मैं फ़ोन पे अकाउंट को किस तरह से डीएक्टिवेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह फ़ोटो मेरा सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा दूसरा वॉलपेपर ले लेता हूँ जो यहाँ पे मैं सेट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं उसी तरह से फिर से प्रोसेस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं यह फ़ोटो थोड़ा सा ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेट मैं कर देता हूँ। सेट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको यह दिख रहा होगा कि किस तरह से है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिखूंगा, जैसे यहाँ प्लस में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आपको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा फ़ोनपे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फ़ोनपे लिख देता हूँ। फ़ोनपे लिखने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ़ोनपे लिखने के बाद देखिए दोस्तों, इसे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इसे मैं यहाँ पे इस वर्ड को थोड़ा सा स्टाइलिश करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए मार्क आपको दिख रहा होगा, तो इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको साइज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस वर्ड को थोड़ा सा स्टाइलिश करना है, तो देखिए यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे इस तरह से थोड़ा सा मोटा कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस वर्ड को थोड़ा सा फॉन्ट के मदद से इसको अच्छा से डिजाइन करना है, तो इसको यहाँ पे आपको जो आपको डिजाइन अच्छा लगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक डिजाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसमें कलर थोड़ा सा ऐड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे साइड में आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जो कलर यहाँ पे ले सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं येलो ले लेता हूँ। येलो लेने के बाद इसे मैं थोड़ा सा इस साइज को थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे मेरा को दिख रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं नीचे साइड में आप लिखना चाहते हैं कि इसे कैसे डिलीट करें, तो इसे यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिएगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं हिंदी थोड़ा सा अपना गूगल कीबोर्ड से मैं हिंदी थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ, जैसे कैसे। उसके बाद मैं फिर इंग्लिश में लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे डिलीट कैसे डिलीट करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा हिंदी वर्ड यूज कर लेता हूँ करें। उसके बाद यहाँ पे ओके में क्लिक कर देता हूँ। ओके में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे ले आऊँगा इसे क्लिक करके। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे मतलब इस वर्ड को भी इसी तरह से मैं यहाँ पे डिजाइन करूँगा, जैसे यहाँ पे मैं
थोड़ा सा इसे थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं फॉन्ट की मदद से इसका मैं डिज़ाइन ले लेता हूँ, ले उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कलर डालता हूँ, कलर डालने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कलर डाल देता हूँ कोई भी कलर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे स्टॉक के मदद से इसे मैं अनेबल कर देता हूँ। अनेबल करने के बाद देखिए दोस्तों ये कितना हाइडलाइट दिखने लगता है। उसके बाद यहाँ पे साइडों का भी ऑप्शन मिल रहा है तो इसे मैं भी क्लिक कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना ये अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे ऊपर साइड में भी मैं इसे एनेबल कर दूंगा साइडों को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे फ्रंट में दिखने लगेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ऐसे मैं क्लिक कर दूंगा तो यह मेरे शो करने लगेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इसे मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मुझे यह शो कर गया। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा मेरे को सुंदर दिख रहा है, और वो भी HD क्वालिटी में। उसके तरह से देखिए दोस्तों ऊपर साइड में आपको फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सेव इमेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसको आपको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों या आपका फोटो मतलब थंबनेल आपका या आपका आपका मोबाइल में गैलरी में सेव हो जाएगा, जो आपका थंबनेल है। इस तरह से आप अट्रैक्टिव और HD क्वालिटी का थंबनेल बना सकते हैं अपने YouTube के लिए।